अच्छा होता है या बुरा होता है, क्या होता है इससे? हैं? देख कितना फेंका है मैंने। हाँ, मकान बना रहे, मकान बिल्डिंग तैयार कर लेंगे अभी। ये बहुत सारा जमा हो जाए, फिर अंडा देंगे उधर, फिर अच्छा नहीं होता है, गंदा कर देंगे। नहीं, जैसे घर बनाते हैं अंडा देते हैं तो अच्छा नहीं होता है? अच्छा होता है, पर बस आएगा। और ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंक देंगे तो अच्छा आएगा, उसका घर तोड़ देंगे बिल्डिंग हम। मेरा घर नहीं टूट जाए, उसका घर तोड़ू तो वही ना। पता है, मैं तो वही देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं अभी क्या अच्छा होता है या बुरा होता है, ये किसको पूछे, मैंने कहा आंटी आएगी, आंटी को पूछूंगी। सो हेलो एवरीवन, तो ये ब्लॉग जो है ये कल से ही कंटिन्यू है और इसी को मैं आगे बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे मैंने ये अचार रखा था सूखने के लिए और हल्की हल्की सी बारिश आनी शुरू हो गई तो उठा के मैंने उसको अंदर रख दिया। और अभी मैं जो है कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो अभी लंच में खास कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, कटहल की सब्जी है, रात की थोड़ी सी बची हुई वही खा लेंगे हम दोनों। और साथ में फटाफट से बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ जो है बॉडी पेन हो रहा है और सर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से लंच करके ना फिर गोली खा के थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है बीच बीच में ना, आराम नहीं करूँ ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि जल्दी से, आंटी गई अभी तो अभी से मैं जो है लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और हस्बैंड बाहर गए थे, आ गए हैं वो अपना काम करके, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी से उनको भी खाना दे देती हूँ। और घर के काम तो वैसे ऑलमोस्ट हो ही गए थे, आज ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया है मैंने। तो बस अभी लंच करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और अभी मैं बना रही हूँ चाय। टाइम हो गया 5:30 और हस्बैंड गए बाहर किसी काम से, मैंने यहाँ पे चाय रख दी अपनी और मन हो रहा है मेरा अदरक वाली चाय पीने का। और थोड़ी थोड़ी ना बॉडी भी मेरी पेन कर रही है आज, पता नहीं क्यों, आज तो नहीं वैसे कल परसों से पेन कर रही है, लेकिन आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैं बहुत देर सोई, तकरीबन 2 घंटे सोई हूँ आज मैं, और ऐसा में भी बहुत दर्द हो रहा है। खाना खाया उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे हम लोग, टीवी वगैरह देखा। और हाँ, कल कोई आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे थोड़ा से पता था 2-3 दिन से, लेकिन कल सुबह 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे वो हमारे घर पे और मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी सी रौनक भी आएगी घर पे, थोड़ा मतलब अच्छा घर का माहौल हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा उसके आने के बाद। वैसे तो आप लोगों को पता ही है उसके आने के बाद बहुत अच्छा घर का माहौल हो जाता है, और मैं कल से बहुत खुश हूँ। वैसे मैंने आप लोगों के साथ बताया नहीं, वैसे पहले भी मैंने बहुत बार ये वाला रोड दिखाया, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं पूरा दिन भर और इतना गाड़ियों के हॉर्न आते हैं ना यहाँ से कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये दरवाज़ा हमें ज़्यादातर बंद करके रखना पड़ता है। ये बॉटल खाली थी, मैंने सोचा कि इसको भी भर के रख देती हूँ। और ये जो आरओ है ना, ये वाला, ये यहाँ से हमेशा टपकता रहता है, और ये जो ऑनर है उसका ही है, हमारा नहीं है। तो ये बस धीरे 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 टपकता रहता है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे नीचे बर्तन रख देती हूँ, जग रख देती हूँ, थोड़ी देर में पूरा भर जाता है। और मतलब यहाँ से इसको हमने वैसे दिखाया था उसको, तो यहाँ पर ये क्रैक है, तो उसने बोला कि इसकी वजह से ये पूरा ऐसा नहीं हो टूट जाए। ये देखिए यहाँ पर ये क्रैक है, ये तो हमने बोला था उसको टैप चेंज कर दे, तो उसने बोला कि नहीं उसकी वजह से ये ऐसा नहीं हो कि पूरा ही फट जाए। तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही चलाना पड़ रहा है हमें। और ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, अल्ट्रा सेट करके कुछ है, पता नहीं, ले लेके बैठना पड़ता है, चम्मच से खिलाओ उसको तो थोड़ा बहुत खा भी लेगी। डेजी मेरे छोटा बेबी कहाँ कर रहे हैं, आया रे, आया छोटा बेबी, आया कहाँ चला, अरे देजू पेड़ के पीछे छुपके बैठे, छुपके बैठे इधर बैठे, छुप छुप के क्या हो गया देजू, क्या हो गया, छुपके क्यों बैठे है पीछे, ओ ये
ये देखो तो डेजी को कहाँ है डेजी, कहाँ है डेजी? डेजू ये छोटा बेबी है हमारा, छोटा सा। बहुत खराब बच्चा है ये, बहुत खराब है। हाँ देखो 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 इसको, कितना शरारती है ये। वहाँ से, वहाँ बैठी हुई थी चेयर के नीचे, वहाँ से उठ के यहाँ आ गई है आवाज़ लगाने पे। ट्रीट खाएगी डेजी? डेजी ट्रीट खाएगी? हाँ चलो ट्रीट देते हैं, आ जाओ आ जाओ, कम आओ, चलो ट्रीट लेनी है। अरे डेजी बिस्किट तो खत्म हो गए हैं। डेजू ये देखो ट्रीट, कम आओ कम आओ, जल्दी आओ जल्दी आई। आप आएगी ना, मुझे पता है। कौन आया, कौन आया ये ट्रीट खाने, कौन आया किचन में? अरे शाबाश। बस बस डेजी, बिल्कुल नहीं बोली। देखा मेरी सारी बात मानती हो बिजी? इधर आओ, कौन है? डेजी इधर आओ, इधर आओ, सिट करो, गुड गर्ल, हेलो करो, इधर देखो डेजू, हेलो अभी लाड नहीं हुआ खत्म अंकी के साथ। और जैसे आपने देखा ना कि ये अगले दिन सुबह हो गई थी, और सुबह में जो है अंकी आ गई थी, सुबह तकरीबन 6:30 बजे वो आ गई थी। उसकी ट्रेन जो है 1 घंटा लेट थी, और उसके पापा गए थे उसको लेने के लिए। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो नाश्ता तो हमारा हो गया था, और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ मटर पनीर। और उसकी रेसिपी तो मैंने आज मतलब ज़्यादा डीप से आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार जो है मटर पनीर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया है, फिर उसमें थोड़े से जो सूखे मसाले होते हैं ना, जैसे हल्दी नमक ये सब डाल के फिर मटर डाल दूँगी। और जो पनीर है उसको मैंने हल्का सा हल्दी और मिर्ची लगा के फ्राई पैन में हल्का सा उसको मैं जो है थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, मतलब डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, हल्का सा ऐसे फ्राई पैन में ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मटर भी ऐड कर दिए हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और साथ में चावल बनाने वाली हूँ, क्योंकि अंकी बोल रही थी मुझे चावल खाने हैं, बहुत दिन हो गए कहती है चावल नहीं खाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़े से चावल बना देते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए हल्दी लगा दी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी सॉरी इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करी है। तो वो डालने के बाद इसको हल्का सा मैंने हाथों से रब कर दिया था, और उसके बाद जो है फ्राई पैन में इसको देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो बस निकाल दूँगी।